मिडिल है जो मशीनों में प्रयोग होती है, इसका ये जो आप विपरीत सिरा देख रहे हैं ये हमारा ऊपरी सिरा, इसको हम बट कहते हैं हिंदी में बट। इसके बाद जो इसका दूसरा सिरा है ये हमारा शैंक कहलाता है, शैंक, तो इसको हम शैंक कहते हैं। इसके बाद जो हमारा ये सिरा है जो हल्का सा आप देख रहे हैं टेपर टाइप का है और ये दबा हिस्सा है, इसे हम लोग शोल्डर कहते हैं, शोल्डर। इसके बाद ये जो इसका लॉन्ग स्टिक जा रही है इसका नाम होता है ब्लेड, ब्लेड। इसके बाद आप देखते हैं जो सुई में होल टाइप का होता है यहाँ से जिसमें से धागा पास करता है, इसे हम लोग क्लियरेंस कट के नाम से जानते हैं। इसके क्लियरेंस कट के जस्ट नीचे ही इसे पॉइंट कहा जाता है और इसके सबसे निचली भाग जो सबसे निचला भाग है जो नोक है उसे हम लोग टिप कहते हैं। जैसे कि हम सब जान रहे हैं ये बट, इसका काम क्या होता है, जो हमारा मिडिल बॉर्न होता है जिसके अंदर सुई को फिट किया जाता है वो इसी सुई के अंदर, ये सुई इस होल्डर के अंदर फिक्स हो जाती है, यानी ये बट हमारा निडिल बार में आसानी से फिट हो जाता है क्योंकि निडिल बार जो होता है वो ही टेपर साइज का होता है जिसमें हमारा ये निडिल जाके उसमें फिट हो जाता है। उसके बाद जो शैंक होता है ये निडिल बार में फिट हो जाने के बाद सिलाई के समय स्थिर व्यवस्था बनाए रखती है। शोल्डर का काम क्या होता है, ज़्यादा मजबूती प्रदान करना, क्योंकि शोल्डर जो होता है हमारा वो इसमें जब कंपन पैदा होता है जो वाइब्रेशन होता है उस वाइब्रेशन को रोक के रखता है जिससे हमारी सुई इस हिस्से से टूट नहीं पाती है। अगर इस चीज़ को हम टेपर नहीं करेंगे तो हमारी ये जो सुई की जो आप राड देख रहे हैं ये वाइब्रेशन के कारण तुरंत टूट जाएगी, इसके कारण इस शोल्डर का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको यहाँ पर से टेपर किया जाता है। ये ब्लेड हमारा जिस भी चीज़ को हम सिल रहे हैं या उसको हम स्टिच कर रहे हैं तो वो उसको काटने के काम आता है और इस कारण वो इन आउट होता रहता है। क्लियरेंस कट हमारा हुक के साथ में आसानी से उससे ना टकराए और हमारा धागा ना टूटे, इसलिए क्लियरेंस कट उस हुक के साथ में काम करता है। क्लियरेंस कट की एक खास बात ये भी है कि जब हम सुई को निडल बार में फिट करें तो ये भी ध्यान दें कि क्लियरेंस कट हमारा हमेशा हुक की तरफ होना चाहिए क्योंकि हुक की तरफ आसानी से स्थिरता बनी रहती है और धागा उसमें फिट होके चला करता है। पॉइंट का काम ये होता है, ये किसी भी मटेरियल किसी भी चीज़ को टेपर करने में यानी इसको काटने के काम आता है। टिप इसलिए लगाई जाती है, इसलिए बनाई जाती है इस वजह से ताकि इस टिप की सहायता से अब हमारी ये सुई उस मटेरियल के अंदर होल बना सके।